इजी एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें, और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका लॉजिक क्या है और कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या हैं। इजी वे में आपको इनके लॉजिक समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज अ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू आर अ मोर पर्सन थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम। मतलब इंफॉर्मेशन का सेंड होना, इंफॉर्मेशन का ट्रैवल होना सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक पर्टिकुलर मीडियम के जरिए से, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त को मैसेज किया, आप क्या हैं, सेंडर। आपके दोस्त ने मैसेज रिसीव किया, वो क्या है, रिसीवर। तो आपने मैसेज किसके जरिए से सेंड किया, मोबाइल के जरिए से। मोबाइल क्या है, एक मीडियम है, एक पर्टिकुलर मीडियम के जरिए से आपने इंफॉर्मेशन अपने दोस्त तक सेंड की। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो पर्टिकुलर मीडियम जिसमें यूज़ किया जाए और सेंडर और रिसीवर इन्वॉल्व हों, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट किस्म की हो सकती है, वीडियो, ऑडियो, इमोशंस पे हो सकती है, इंस्ट्रक्शन हो सकती है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है, रिटन फॉर्म में हो सकती है, कंसेप्ट्स हो सकते हैं, आइडिया हो सकता है, ओपिनियन, फैक्ट्स, बिलीव, काफ़ी किस्म की इंफॉर्मेशन हो सकती है। इंफॉर्मेशन काफ़ी किस्म की हो सकती है। और सेंडर कौन होता है, जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है। रिसीवर वो होता है जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है। और मीडियम क्या होता है, जिस पर्टिकुलर मीडियम जिस जरिए से आप इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं उसको मोड या मीडियम बोलते हैं। आगे अभी देखते हैं कि इसके प्रोसेस क्या होते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में जो ये 6 स्टेप हैं, सबसे पहला क्या है, सेंडर। मतलब सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए सेंडर होना ज़रूरी है। मतलब सेंडर होगा तो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा ना, तो सेंडर कौन होता है, जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है। और सबसे पहले, फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बताना है कि आपकी शादी है, आपने एक मैसेज कन्वे करना है लोगों तक कि आपकी शादी है, आपने अपने दोस्त को मैसेज सेंड करना है कि आपकी शादी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनकोडिंग करेंगे कि आपने जो अपना मैसेज है शादी का, वो कार्ड के ज़रिए से भेजना है। आपने किसी को मैसेज कर दिया, अपने कोई दोस्त है करीबी, उसको कार्ड नहीं भेजा, उसको मैसेज के ज़रिए से बता दिया, टेक्स्ट करके या कॉल करके। इसमें आपने डिफरेंट मीडियम यूज़ किया, एक जो रिश्तेदार हैं उधर आपने कार्ड भेज दिया। तो ये जो आप इनकोडिंग कर रहे हैं ना, कौन सा मैसेज आपने भेजना है और किस ज़रिए से भेजना है, जो सेंडर सोच रहा होता है कि मैंने कौन सा मैसेज भेजना और किस ज़रिए से भेजना है, इसको हम बोलते हैं इनकोडिंग। और सेंडर आपको मैंने बता दिया, जो मैसेज सेंड कर रहा होता है। तो थर्ड पे आ जाता है मैसेज। मैसेज मतलब जो आप सेंड कर रहे हो, जो आपका, आपकी जो एक प्लानिंग है, जो ऑब्जेक्ट है, जो आप टाइप करके जो लिख के, या जो कोई भी ओपिनियन है, जो भी आपका कोई, मतलब अभी मैसेज आपका क्या है कि आपने बताना है कि मेरी शादी है, ये आपका अभी ये मैसेज है। तो मैसेज डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। आगे फोर्थ पे चैनल, चैनल मैंने आपको बता दिया आगे कि आप डिफरेंट चैनल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने दोस्त को बताया मोबाइल कॉल करके, तो इसमें आपने मोबाइल का मीडियम यूज़ किया, सिग्नल यूज़ किए। आपने इंटरनेट के ज़रिए से, कोई बाहर के मुल्क आपका दोस्त है, आउट ऑफ कंट्री, उसको इंटरनेट से, स्काइप से या फेसबुक से मैसेज किया, उधर आपने डिफरेंट मीडियम यूज़ किया। आपने कार्ड के ज़रिए से भेजा, पोस्ट के ज़रिए से आपने कार्ड भेजा किसी दूसरे शहर में आपके रिश्तेदार हैं, तो उधर आपने डिफरेंट मीडियम यूज़ किया। आपने अपने काम वाले के ज़रिए से किसी घर में, किसी पास ही किसी घर में, कोई जो हमसाए उनके घर में वो भेजा कार्ड, तो वो भी डिफरेंट मीडियम है। इस तरह के जो चैनल होते हैं ना, डिफरेंट मीडियम, मीडियम, मोड, चैनल, ये एक ही चीज़ है जिसके ज़रिए से आप अपना मैसेज जो है, सेंडर जो है वो मैसेज सेंड करता है रिसीवर को। फाइव पे क्या आ जाता है, रिसीवर, जिसने मैसेज रिसीव करना है, जिसने मैसेज लेना है, जिस तक मैसेज पहुंचना है, वो क्या होता है, रिसीवर, जिसको मैसेज मिलना होता है। तो फिर रिसीवर को मैसेज मिल गया, फिर वो क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा, वो देखेगा कि इस मैसेज से मैं क्या गेन करना चाहता हूँ, इस मैसेज का मकसद क्या है, उसको पढ़ेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा, और फिर एक लास्ट पे फीडबैक भी आता है। इधर नहीं लिखा हुआ, लास्ट पे ना फीडबैक भी आता है, फिर वो रिसीवर जो है उसके मुताबिक मैसेज के फीडबैक भी देता है। आई होप आपको कम्युनिकेशन क्या है और इसके प्रोसेस क्या हैं, इनका लॉजिक पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।